त्रासदी के इस समय में मानसिक हो या भावनात्मक, हर कोई दोनों ही रूप से व्यथित है। सभी अपनी समझ और जानकारी के अनुसार इस त्रासदी का सामना करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है अपने आप को मजबूती से खड़े रखने का यह प्रयास। सही और गलत के बीच की लाइन बहुत धुंधली है। मसला यह है कि आप सही और गलत के बीच उस धुंधली सी लाइन को कितना करीब से देखकर अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हैं। शायद समय ही गलत है और बाकी सब ठीक। सच्चाई यह है कि जानकारी फैलाने के मायने तो हमारे पास पहले से ही बहुत है, जरूरत है अफवाहों को फैलने से रोकने की। हमें लोगों को आपसी सहयोग के लिए सिर्फ प्रेरित ही नहीं करना, खुद भी प्रेरित होना है और कम से कम अपने आप को इस मुश्किल समय में होती प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कालाबाजारी से भी बचना और बचाना है। पिछले एक साल में सैकड़ों प्रयोगशालाओं में हुए रिसर्च और हजारों रिसर्च पेपर्स के बाद जो वैक्सीन उपलब्ध है उसे लगवाकर विज्ञान और डॉक्टर्स का सहयोग और सम्मान करने की हमें आवश्यकता है। खाना हमें अपने लिए खाना है, शरीर में बैठे दुश्मन के लिए नहीं। इसीलिए दालें, हरी सब्जियां और प्रोटीन युक्त खाना ही खाना होगा। स्वाद से दूर होकर फलों, मिठाइयों और शर्करा युक्त खाने के साथ ही अनाज से भी बचना होगा। घर में ही रहना है लेकिन सीना चौड़ा करके रहना होगा ताकि फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिले और वो लड़ने के लिए तैयार रहे। धैर्य रखिए, हर कोई अपनी क्षमता से हर किसी की सहायता में लगा हुआ है, आप भी लग जाइए। अभी हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस से कहीं ज्यादा सजग और सतर्क रहने का अश्योरेंस जरूरी है। अब तक हम बहुत अपनों को खो चुके हैं, उम्मीद करता हूं अब और किसी को यह कहने का मौका ना मिले। समय अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें समयानुसार व्यवहार करते हुए चुनौतियों को स्वीकार करना ही होगा। आज इन चुनौतियों का सामना करना ही हमारे आने वाले भविष्य और पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। वर्तमान चुनौतियों और गलतियों से सीख लेकर हमें एक सुदृढ़ भविष्य के निर्माण के लिए मानवता का सहयोग करना ही होगा। शायद यह मानवता के इतिहास में सबसे मुश्किल समय है, लेकिन याद रखिए, अंधेरा है तभी रोशनी भी है। संभव है अंधेरे का समय लंबा होगा, लेकिन अंत तो उसका भी निश्चित ही है। किसी का हाथ छूना नहीं है, लेकिन किसी का साथ छोड़ना भी नहीं है। हमें जरूरत है एक साथ, सबके साथ, मैं और तू से आगे हम होकर सकारात्मक प्रयास करते हुए एक दूसरे का सहयोग करने की। मैं यहां ठीक हूं, बस तुम वहां अपना ख्याल रखना।